बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हानी के जन में वेलकम करती हूँ। क्या हाल है आप सब लोग के? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज हमारी ये वीडियो का पार्ट टू है। किचन की जो सफाई चल रही थी, तो आप लोगों को पहले वीडियो में मैं दिखा चुकी थी कि जो ना क्या कहते हैं, किचन के अंदर के कैबिनेट और नीचे वाले कैबिनेट मैंने साफ़ सुथरे कर दिए थे। अब जो है ना क्या कहते हैं, ये बिल्कुल फाइनली सफाई अब कर रही हूँ। तो अब आप लोग देखिएगा इंशाल्लाह कि बिल्कुल किचन आप लोगों को चमचमाता हुआ नज़र आएगा। वैसे तो ये सफाई रोज़ाना ही होती है, लेकिन ये कि जो फाइनली सफाई है रमज़ानों से पहले की, वो मैं भी कर रही हूँ। तो ऐसा ऐसा आप लोगों को थोड़े थोड़े से क्लिप दिखाती जाऊँगी इस तरीके से वीडियो में। तो जी देखें, बड़ी मेहनत के बाद ये काफ़ी हद तक तो मैंने साफ़ कर दिया है। इसका अंदर से इसका शीशा वगैरह भी इस तरीके से बाहर आ जाता है थोड़ा सा, तो मैं इस तरीके से ना करके शीशे को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो शीशा मैंने देखें साफ़ कर दिया। असल में ये थोड़ा सा साफ़ करने में इसलिए मुश्किल होता है कि इसमें डिज़ाइनिंग हुई है, तो उंगलियाँ जो ना इस तरीके से फंसाना और डालना ना बहुत तकलीफ़ देता है। तो बहरहाल ये कि कोशिश करके मैंने काफ़ी हद तक साफ़ कर लिया। स्लिप का मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। देखें, स्लिप का ये सारा सामान हमने बाहर निकाल लिया है। अब जो है ना ये बारी है, टाइल वगैरह के जो बीच में से ये इस तरीके से जॉइंट्स गंदे हो जाते हैं, तो इसको भी साफ़ करना है। और इसको तरीके से मतलब बहुत एहतियात से साफ़ करना होता है। तो बस अभी मैं लगी हुई हूँ काम में। इसी तरीके से आपको फिर मैं यही कहूँगी फिर कि आपको इसी तरह छोटे छोटे क्लिप मिलते रहेंगे। देखें भाई, अब हमारा फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा किचन बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह से साफ़ सुथरा और सेट कर दिया मैंने इसको। ये देखें, बस थोड़ी सी बहुत चेंजिंग मैं हर दफ़ा ही करती हूँ, मतलब जो चीज़ ऊपर होती हैं उनको थोड़ा बहुत सेट करके नीचे ले आती हूँ। ये फूल वगैरह आपने देखे होंगे, जो पॉट है ये मैं धो रही थी, तो इसको तकरीबन 3 साल 3.5 साल हो गए मेरे पास रखे हुए। तो बस मैं हर दफ़ा धो के, और ये हर दफ़ा मुझे और नया सा लगने लगता है, इस वजह से मैं नहीं ख़रीदती। और चीज़ें एक्स्ट्रा कभी पसंद आती हैं तो वो ले भी लेती हूँ। तो माशाल्लाह से बस ये देखें, ये मैंने ये लगवाए हैं अभी, ये नए ना ये बोर्ड ख़राब हो गए थे हमारे, तो ये नए लगवाए हैं मैंने। बाकी माशाल्लाह आप लोगों के सामने ही है कि ऊपर के कैबिनेट वगैरह मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे कि ऐसे माशाल्लाह तरतीब से ये सारे सेट हैं। इनकी मैंने पहले ही सेटिंग कर ली थी, और इसी तरीके से सब चीज़ें माशाल्लाह सेट कर दी थी। ये वाला देखें, ये आगे का बॉक्स है, इसको भी माशाल्लाह मैंने सेट किया हुआ है। तो अपने हिसाब से जो भी औरत काम करती है, तो उसको अपने हिसाब से किचन को सेट करना पड़ता है। मुझे बस खुशी भी एक ये होती है कि बहुत बड़ा ये काम था, जो कि लगभग एहसान है कि ये मैंने अकेले निपटा लिया और बहुत जल्दी आसानी से हो गया। मेहनत तो लगती है थोड़ा। मेरी उंगलियों का हाल देखें कि ये जो ना क्या कहते हैं, उंगलियाँ मेरी इस तरीके से कट लग गए जगह जगह। तो बहरहाल ये है कि खैर हो जाता है काम, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन माशाल्लाह किचन मेरा क्लीन हो गया। और अब मुझे बहुत आसानी हो जाएगी कि रमज़ान भी मेरा पूरा निकल जाएगा, और ईद पे भी मुझे बहुत ज़्यादा तफसीली सफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में अकेला मेरा ही हाथ लगता है किचन के अंदर, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी ये देखें, ये फ्रूट की बेल, 3 बेलें थी और ये इस तरीके से ना तीनों टूट गई थी। तो मुख्तलिफ जो ना ये 3 कलर के 3 फ्रूट आपको नज़र आ रहे हैं, स्ट्रॉबेरी, केला, और ये भी मैंने फिर धो के और इस तरीके से बस अपनी अक्ल का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके और इसको एक बड़ी बेल की शक्ल दे दी, और ये लंबाई में इस तरीके से लग गई। तो ये कलर इस किचन का भी हमारा वही इतना मतलब लाइट कलर है, तो ऐश वेट है, तो इस पर ये कलर ना उठ रहे हैं, तो बस बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसी तरीके से मैंने नीचे के कैबिनेट भी साफ़ सुथरे कर लिए थे। ये आप लोगों को ये दिखाना भूल गई थी, लेकिन नीचे के भी मैंने इसी तरीके से सेट किए हैं कैबिनेट सारे। तो बस मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। मेरी मेहनत है इसमें शामिल बहुत ज़्यादा, और मतलब आसान नहीं होता वीडियो भी बनाना और वीडियो बनाने के साथ साथ अपने काम को भी करना। और ये देखें टाइल्स माशाल्लाह इतने क्लीन हैं हमारे, कितने साफ़ सुथरे। ये देखें टाइल्स क्लीन हो गए हैं, कि इनकी जो इस तरीक़े से ये बीच में जो जा रही है, तो ये ज़रा गंदी हो गई थी, मैल जम गई थी इसमें, तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरी हो गई। तो बस आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी इंशाल्लाह, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एक हौसला बढ़ जाता है इसे सब्सक्राइब करने से, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।